हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो आचार्य चाणक्य के विचारों को सुनेगा और प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें समझकर हम अपनी बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि चाणक्य ने ये बातें हजारों साल पहले बताई हैं, लेकिन आज भी ये बातें उतनी ही सटीक बैठती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम लोग जाने अनजाने अति उत्साह के कारण कुछ ऐसी बातें अपने संबंधियों या आसपास के लोगों को बता देते हैं जिन्हें गुप्त रखना ही उचित होता है। इस कारण हमें कई बार नुकसान उठाना भी पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने मुख्य रूप से चार ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हमेशा राज ही रखना चाहिए। नंबर 1, धन की हानि कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज में गरीब व्यक्ति को धन की मदद आसानी से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हमें कभी भी धन की हानि से जुड़ी हुई बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आपको धन की हानि हुई है तो इसे गुप्त रखना ही सही होता है। आर्थिक हानि होने पर आपकी मदद कोई नहीं करेगा, अतः इस बात को सदैव राज ही रखना चाहिए। नंबर 2, अपना दुख किसी के सामने प्रकट ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें कभी भी अपने दुख की बातें किसी पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपकी भावनाओं को न समझकर आपका मजाक बना दें, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो दूसरों के दुखों का मजा लेते हैं। यदि दुख की घड़ी में ऐसा होता है तो आपका दुख और बढ़ जाएगा। आचार्य चाणक्य तीसरी बात पत्नी के चरित्र के विषय में बताते हैं। किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के अवगुण को किसी से न बांटें। पत्नी से जुड़ी हुई सभी बातें गुप्त रखना ही उत्तम होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सज्जन पुरुष को घर परिवार के झगड़े, सुख दुख की बातें समाज में जाहिर नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष घर की बातें बाहर ले जाते हैं उन्हें भविष्य में भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 4, नीच व्यक्ति से हुए अपमान को किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि जीवन में कभी भी किसी नीच व्यक्ति ने आपका अपमान किया है तो वह घटना आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि ऐसी घटनाओं की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचेगी तो आपका मजाक बनाया जा सकता है, इससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बताई हुई बातें आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।